नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भानते। और टीचर्स डे है और गुरु इंसान के जीवन का वो इंसान होता है जो उसको सही राह पर ले जाता है। तो आज हम आपको एक ऐसी टीचर से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर सीमा सिसोदिया, जो कि गुजराती समाज स्कूल में वाइस प्रिंसिपल है। और इन्हें काफ़ी साल हो गए हैं इस फील्ड में, इन्होंने कई सारे बच्चों को पढ़ाया है और इनके पढ़ाए हुए कई बच्चे आज बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। तो हम मैम से जानते हैं उनका इस फील्ड में कैसा एक्सपीरियंस रहा है। मैम, सबसे पहले तो आपको टीचर्स डे की शुभकामनाएं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप इस फील्ड में कब से हैं। मैं इस फील्ड में पिछले 27 सालों से हूँ जी। और इसी स्कूल में मैं टीचर बनी थी जी। मैंने ये इंस्टीट्यूशन एज ए टीचर ज्वाइन किया था जी। पर आज मैं वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट में यहाँ पर कार्य कर रही हूँ जी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया होगा, तो कैसे कैसे स्टूडेंट आए अब तक? हर तरह के स्टूडेंट्स मेरे कांटेक्ट में आए हैं जी। कुछ तो बहुत शैतान होते हैं, कुछ पढ़ने में बहुत एक्सेलेंट होते हैं, कुछ शैतान भी होते हैं, पढ़ने में भी अच्छे होते हैं जी। तो हमें हर तरह के बच्चों से डील करना पड़ता है। उनकी जो उनका जो टैलेंट है उसके हिसाब से, और उनकी जो दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें उनके साथ डील करना पड़ता है जी। स्टूडेंट्स को जब सक्सेस मिली, आपने अब तक जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाए हैं, तो आपको कैसा फील हुआ अब तक? और ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो आज अच्छी जगह पर है और अच्छे लेवल पर? देखिए, 27 साल हो चुके हैं तो स्टूडेंट्स की तक बहुत लंबी लिस्ट है जी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ब्यूरोक्रेट्स भी IAS ऑफिसर्स बन चुके हैं, डॉक्टर्स बन चुके हैं, कुछ इंडिया के बाहर भी हैं। सारे ही स्टूडेंट्स मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा बहुत ही अच्छा पढ़ता है उसे ही हमेशा सक्सेस मिलती है। कई बार बच्चे एवरेज होते हैं पर वो इतने बाद में जाके काबिल हो जाते हैं, जो भी उनकी दूसरी प्रतिभा होती है उनके उनको विकसित करके, कि बाद में वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन या बहुत अच्छे पोस्ट पर चले जाते हैं। तो एक जो पढ़ाई है, सिर्फ पढ़ाई में जो अच्छा बच्चा वही हमेशा ऊंचा जाएगा, ये मेरे एक्सपीरियंस में मैंने नहीं पाया जी। आप टीचर बनना आपने क्यों प्रेफर किया, मतलब क्या सोचा कि टीचर बनने? आई नेवर वॉन्टेड टू बी अ टीचर, इट इज़ बाय चांस। बाय चांस मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी सिर्फ अपने पॉकेट मनी के लिए जी। बट सर्कमस्टांसेस एंड देन स्लोली आई डेवलप माई इंटरेस्ट। But whatever has happened throughout these years, today teaching is my passion. I love this and I am proud to be a part of this noble profession now. आज का जो टीचिंग स्किल है, आप जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जब आप पढ़ते थे तब में और अब में काफ़ी सारा डिफरेंस है, तो क्या बदलाव आए हैं तब की जो शिक्षा दी जाती थी उसमें? पहले की जो शिक्षा होती थी वो सिर्फ सिलेबस बेस्ड होती थी, सब्जेक्ट्स होते थे, आपको रटना है, पढ़ना है, फिर एग्ज़ाम में उनको लिखना है और पास होना है। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा नहीं है। आज जो फोकस किया जाता है वो ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है जी। पहले हम लोग टीचर से इतने फ्रेंडली नहीं हुआ करते थे, बात करने के लिए भी हमें काफ़ी सोचना पड़ता था या अपनी परेशानियाँ बताने के लिए भी हमें काफ़ी जद्दोजहद करके उनके पास जाने को मिलता था। लेकिन आज का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है। आज तो टीचर को अप्रोच करना बहुत ही ईजी हो गया है, बहुत ही फ्रेंडली मैनर में बच्चे डेवलप हो रहे हैं या एजुकेट हो रहे हैं, और उनको अपनी हर तरह के टैलेंट को एक्सपोज करने का इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो पहले के एजुकेशन सिस्टम बहुत क्लासरूम बेस्ड था, पर अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्लासरूम के साथ साथ दूसरे टैलेंट और पर्सनैलिटी को डेवलप करने का भी बहुत अच्छा सोर्स है। टीचर्स डे है तो आपने स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहिए? मैं तो हर स्टूडेंट को हमेशा पहले भी कहती थी, अब भी यही कहूँगी, एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। बाय यू कैन प्रूव, यू कैन बी अ सक्सेसफुल पर्सन, बट टू बी अ नाइस ह्यूमन बींग एंड अ काइंड पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा अपने लिए मत सोचो, कुछ ऐसा भी सोचो, कुछ ऐसा भी करो कि जो दूसरों को भी खुशी दे सके। कभी किसी को धक्का मार के आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, अपनी लाइन बनी करो, दूसरे की लाइन छोटी करने की कभी कोशिश मत करो। दूसरों का आप हमेशा ख्याल रखेंगे, उनकी मदद करेंगे, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सब्सक्राइब आवर
our channel and press the bell icon for more updates.